आज जब हम बात कर रहे हैं तो नई शिक्षा नीति के नाम पर निजी हाथों में इन सारी सरकारी शिक्षा संस्थानों को बेच दिया जाए ताकि निजी सेक्टर हो जाएगा तो आरक्षण ही नहीं रहेगा। आज क्या हो रहा है कि जितना रिजर्वेशन बचा है हायर एजुकेशन में उस पर परमानेंट अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा। इसी रोस्टर आंदोलन पर जो ऑर्डिनेंस आया था उसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था, वो आज तक लागू नहीं हुआ। कोई देने वाला ये कौन लोग होते हैं? ये आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये कौन लोग हैं देने वाला? भारत के संविधान से ये हक हमें मिला था, ये लोग तो छीनने वाले लोग हैं। अगर इतने ही काबिलियत हैं 27 ओबीसी मिनिस्टर और एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, ये मिलकर के जाति जनगणना कराएं। ओबीसी का सबसे बड़ा सवाल इस समय जाति जनगणना है। 1951 से धर्म की गिनती हो रही है तो सांप्रदायिकता बढ़ गई क्या? सांप्रदायिकता तो इनकी रथ यात्रा से बढ़ी थी, राम मंदिर आंदोलन से बढ़ी थी। ये नफरती लोग जब राजनीति में आए तब सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जनगणना से हिंदू मुस्लिम कभी लड़ता नहीं था, तो इसलिए जाति गिनने से जातिवाद बढ़ जाएगा, ये तो बेकार की बात है। दूसरा जवाब इसका ये है कि जाति नहीं गिन रहे हैं तो क्या जातिवाद नहीं है क्या इस देश में? इस समय हम दिल्ली के आईटीओ में हैं और यहाँ पर 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर 2018 में जो आंदोलन हुआ था उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी द न्यूज वीक की तरफ से और टीचरों के सोशल जस्टिस एसोसिएशन की तरफ से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम टीचर हैं, आप देख सकते हैं, पूरा ये लंच टाइम है, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो चुकी है और यहाँ पर पूरा लंच टाइम चल रहा है और ये फिर पूरी लड़ाई ये लड़ी गई थी और उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया गया है। सर, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है ये बहुत ही शानदार, मैंने भी देखी, इतनी शानदार डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके बाद का जो लड़ाई है वो कितना मुश्किल है और क्या क्या चैलेंजेज हैं ओबीसी के लिए? नहीं देखिए, डॉक्यूमेंट्री इस लिहाज से अहम है कि जो लड़ाई पहले लड़ी गई है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि बाद में चाहे आज भी जो लोग उस लड़ाई में शामिल रहे वो तो इस बात पे गर्व करेंगे ना कि हमने ये लड़ाई लड़ी और हम इस लड़ाई में जीत हासिल किए। जो लोग नहीं शामिल हुए उनके लिए एक मैसेज रहेगा कि देखिए आपके ही वक्त में कुछ लोग लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ करके अपने ही लिए ही नहीं उस पूरे तबके के लिए वो रास्ता जो बंद किया जा रहा था उसे वापस खोला। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो बनी है उसी को कि जो आप हमसे छीन रहे थे हमने उसे छीनने नहीं दिया, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन है। तो आज के लिए भी और बाद में लोग जब देखेंगे कि आपके ऊपर जब जब हमले हुए तो कैसे लोगों ने उसके खिलाफ खड़े होकर के वो हम लोग को झेला है, लड़ा है, बहुत कुछ सहा है और जीत हासिल की, तो एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ लड़कर जीता भी जा सकता है। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि आगे क्या, आगे जो लड़ाई जीती गई उसमें भी तमाम ऐसे प्रावधान थे जो हायर एजुकेशन में लागू नहीं है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो नीट में ओबीसी आरक्षण नहीं होने के सवाल पर इस देश में आंदोलन चल रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो नई शिक्षा नीति के नाम पर निजी हाथों में इन सारी सरकारी शिक्षा संस्थानों को बेच दिया जाए ताकि निजी सेक्टर हो जाएगा तो आरक्षण ही नहीं रहेगा। आज क्या हो रहा है कि जितना रिजर्वेशन बचा है हायर एजुकेशन में उस पर परमानेंट अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा। 90-97% पद SC ST OBC के अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग कैटेगरी में खाली पड़े हैं। तो ये सारी लड़ाइयाँ तो अभी अधूरी हैं। तो रोस्टर आंदोलन पर डॉक्यूमेंट्री इस लिहाज से अहम है कि जहाँ एक चीज़ छीनी जा रही थी उसको हासिल किया, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे बचाया जाना जरूरी है। इसी रोस्टर आंदोलन पर जो ऑर्डिनेंस आया था उसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला था, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। परमानेंट नया भी मिला, हाँ मतलब मिला वो इसलिए क्योंकि EWS को देना था, वो कोई एहसान नहीं है, वो चूंकि सवर्ण आरक्षण जो है उसको देना है तो इसलिए ओबीसी को मजबूरी में दे रहे हैं। SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट पे आंदोलन से झुके तो उसके तुरंत बाद सवर्णों को खुश करने के लिए EWS आरक्षण लागू किया था ना, तो वैसे ही ये सरकार मतलब ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी कैबिनेट और ये सब SC ST कैबिनेट मिनिस्टर को दिखाती जरूर है, लेकिन इस देश के तमाम SC ST OBC लोगों को समझना चाहिए कि वो कितना बुरे साजिश के तहत आपके भविष्य के सारे हक हुकूक को छीन ले रही है। सरकार कह रही है कि उन्होंने 27 ओबीसी को कैबिनेट में मंत्री बनाया, नीट में आरक्षण दे दिया, आपको 200 पॉइंट रोस्टर दे दिया, फिर भी आप लोग उन पे लगातार इल्जाम लगा लेते हैं, रहते हैं कि ये ओबीसी को बस सिंबलाइज करते हैं, ओबीसी के हक में काम नहीं। हाँ, पहले जैसे हमारा खेत था उसको आपने कब्जा किया, फिर हमने लड़ाई लड़ी, आप मजबूरी में झुक गए, आप लड़ाई जीत नहीं पाए, तो फिर आप ये प्रचार करते रहे कि हमने देखिए आपको खेत दे दिया, अरे भाई वो अपना ही था। तो ये इस देश में कोई देने वाला ये कौन लोग होते हैं? ये RSS और बीजेपी के लोग, ये कौन लोग हैं देने वाला? भारत के संविधान से ये हक हमें मिला था, ये लोग तो छीनने वाले लोग हैं।
तो पहले एक हाथ से छीनो, फिर उसके बाद देखो कि इस पर प्रतिक्रिया क्या हो रही है। जो बहुजन लड़ लिया एकजुट होकर के, तो वो वापस छीना है बहुजनों ने अपना हक, तो ये देने बनने वाले नहीं। और ये जो 27 ओबीसी और खुद ओबीसी प्रधानमंत्री जिसको चुनाव के वक्त ही ओबीसी जाति आ जाती, वो तो केवल इसलिए है कि इन लोगों के जरिए इन लोगों को आगे करके SC ST ओबीसी का अहित किया जाए, इसलिए इनको मिनिस्टर बनाया गया। अगर इतने ही काबिल ये हैं 27 ओबीसी मिनिस्टर और एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, ये मिलकर के जाति जनगणना कराएं। ओबीसी का सबसे बड़ा सवाल इस समय जाति जनगणना है। ओबीसी का दूसरा सबसे बड़ा सवाल मंडल कमीशन की बाकी अनुशंसाओं को लागू करना है, 52% को 52% आरक्षण देना है, तो ये सब करवाएं अगर वाकई ये इसके हितैषी हैं तो। लेकिन जनगणना तो लागू नहीं हो रही है, उसके लिए भी कहा ना नित्यानंद राय जैसे एक ओबीसी को आगे कर दिया कि हम जनगणना नहीं कराएंगे, और जब 2018 में राजनाथ सिंह को कहना था कि हम जनगणना कराएंगे, तो ये सब चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। हम विश्वविद्यालयों के छात्र, शोधार्थी, शिक्षक ये सब चीजें समझते हैं तो लड़ते हैं, बाकी लोग नहीं समझ रहे तो उनको भी जाते हैं कि भाई जागो। देश की मीडिया और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में एक तबका है जो ये कहता है कि अगर जाति जनगणना होती है तो उससे देश में डिवीजन बढ़ेगा, लोगों के अंदर बंटवारा हो जाएगा, एक तरह का पूरा समाज बट जाएगा, इसलिए जाति जनगणना ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा समाज को इनाट रखने के लिए। इसके दो जवाब है, पहला तो ये कि 1951 से धर्म की गिनती हो रही है तो सांप्रदायिकता बढ़ गई क्या? सांप्रदायिकता तो इनकी रथ यात्रा से बढ़ी थी, राम मंदिर आंदोलन से बढ़ी थी। ये नफरती लोग जब राजनीति में आए तब सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। जनगणना से हिंदू मुस्लिम कभी लड़ता नहीं था, वो अपना हक मांगता था, ये अपना हक मांगते। भाषा गिनी जाती है, भाषा के नाम पर राज्य बने हैं इस देश में, कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, भाषा गिनते रहो से उसके बाद भाषा के नाम पे कहाँ लड़ाई हो रही है, थोड़ी बहुत है तो उसके अलग वजह है। तो इसलिए जाति गिनने से जातिवाद बढ़ जाएगा, ये तो बेकार की बात है। दूसरा जवाब इसका ये है कि जाति नहीं गिन रहे हैं तो क्या जातिवाद नहीं है क्या इस देश में? क्या जाति के नाम पर अभी जिस रोस्टर आंदोलन डॉक्यूमेंट्री पर हम यहाँ मिले हैं, ये क्या था? ये SC ST OBC के कितने पद खाली पड़े हैं, और दूसरी तरफ दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, जगह जमीन उनके छीने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अगर वो किसान है तो उनकी किसानी बर्बाद की जा रही है, सिर्फ कुटीर उद्योग वाले हैं तो सब कुछ बेचा जा रहा है, ये सब क्या है? तो जाति के नाम पर ही तो ये सब हो रहा है, तो ये सब फेक लोग हैं, इनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है, तो ये केवल इस बात को छिपाने के लिए कि जाति जनगणना, और झूठ फैलता रहे ना। ओबीसी में कुछ जातियों को भड़का दें कि यादव कुर्मी कोयरी सबसे ज्यादा हक ले लिए, तो भाई डेटा बता दो ना कितना हक लिए हैं। ये संवर्ण लोग जो तथाकथित महान बुद्धिजीवी, लिबरल, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक भी हैं, वो सब भी झूठ बोलते हैं, तो जाति जनगणना हो जाएगी तो झूठ पकड़ में आ जाएगा ना। ये अखबार में लेख जो लिखते हैं ये कि जाटों ने ज्यादा ले लिया, मीणाओं ने ज्यादा ले लिया, यादवों ने ज्यादा ले लिया, कितना ले लिया? कितने यादव, मीणा, जाटो जज बन गए, ब्यूरोक्रेसी में कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, प्रोफेसर बन गए, 9 तो कुल प्रोफेसर ओबीसी में। सबको आरक्षण दे दिया जाए सर? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पहले गिन लो, उसके बाद सबकी जगह क्या है, सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है, ये तो पता चले। आरक्षण बहुत छोटी सी चीज है, ये तो केवल जब बहुत बड़ा सोशल जस्टिस का रिफॉर्म नहीं हो रहा है तो एक छोटा सा एक तरीका है कि प्रतिनिधित्व मिलता रहे। हक हुकूक की लड़ाई उससे बड़ी है, और ओबीसी प्रधानमंत्री और ओबीसी कैबिनेट को पढ़ना चाहिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट से मुकम्मल दस्तावेज इस देश के बनने का दूसरा नहीं है। उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म है, उसमें लैंड रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, तुमने वो सब किया नहीं, तो आरक्षण की लड़ाई सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं, आरक्षण बहुत छोटा सा हिस्सा है, लड़ाई हक हुकूक की हिस्सेदारी की है। तो ये फेक ओबीसी प्रधानमंत्री और इन सबको ये बात देश की जनता को समझानी है कि तुम लोग केवल हमारा हक मारने के लिए बिना जाति पूछे जाति बताते हो। तो क्या जाति जनगणना से ये सारे हक और अधिकार मिल जाएंगे? जाति जनगणना से पहले ये सच्चाई पता होगी कि कितने परसेंट, 3% लोग क्या 90% लोगों की जमीन कब्जाए हैं, नौकरी कब्जाए हैं, शिक्षा कब्जाए हैं, सब कब्जाए हैं। ओबीसी को जाति जनगणना का लाभ हो ये ओबीसी की गिनती से बाद में होगा, पहले सवर्णों की गिनती से होगा। तो जाति जनगणना का मतलब केवल ओबीसी गिनती नहीं है, सवर्णों के पास कितनी जमीन, कितनी नौकरी, कितना बिजनेस, कितना सब जगह है, वो सब इस देश को पता चल जाएगा। तो आरक्षण और न्याय ये सब बाद की बात है, देश चलाने के लिए आंकड़े चाहिए। बिना आंकड़े के झूठ पर, जैसे ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा ना, कोरोना से भी कोई नहीं मरा, कल को कह देंगे कोरोना आया ही नहीं। तो ये झूठ जो फैलाया जाता है उसको उसका जवाब होता है आंकड़े, सच के आंकड़े। जाति जनगणना वो सच सामने लाएगी कि 70 साल बाद ये देश कहाँ खड़ा है। इसलिए इस समय पूरे देश का सबसे अहम मुद्दा है जाति जनगणना, ये केवल ओबीसी का मुद्दा नहीं। कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जाति जनगणना? जो अपनी जगह से ज्यादा हक मारे हुए हैं, जो जब साहू जी ने अपने दरबार में गिनती की कि 71 उच्च पद हैं जिनमें से 65 पे ब्राह्मण बैठे हैं, 50 उच्च पद थे,
निजी सेवाओं में 50 पद थे जिनमें से 45 पे ब्राह्मण बैठे थे। तो शाहू जी ने कहा कि ये तो राज्य में आपकी आबादी 3% है, आप बैठे हो 90-95%, तो उन्होंने 50% रिजर्वेशन गैर ब्राह्मणों के लागू किया। तो वो शाहू जी को कभी भाषण देके नहीं बताना पड़ता था मैं ओबीसी हूँ। देवगौड़ा जिसने पास किया अपनी कैबिनेट में, उसने नहीं बताया भाषण देके चुनाव में कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, ये सेल्फ मेड ओबीसी है। तो ये जो शाहू जी ने किया ना, वो आज की जरूरत है। और वो इसलिए जरूरत है क्योंकि इस देश में सबको आंकड़े पता चले, तो जैसे ही आंकड़े पता चल जाएंगे उनकी पोल खुल जाएगी कि ये मेरिट के नाम पर झूठे लोग, निकम्मे लोग पूरे देश पर कब्जा किए बैठे हैं, जिनकी आबादी मुश्किल से 13-14% है। ये हक पता चल जाएगा, ये सच पता चल जाएगा। मेरिट मेरिट क्या होता है और ये मेरिट धारी लोग कौन होते हैं सर, ये बहुत बड़ा सवाल है इस समय देश में, क्योंकि इसी डिस्कोर्स के इर्द गिर्द पूरे सामाजिक न्याय के डिस्कोर्स को बहका दिया जाता है। मेरिट एक झूठ है, प्रपंच है। मेरिट केवल वह तरीका है जिसके जरिए इस देश में काबिल का चुनाव नहीं होता है। ये मेरिट मेरिट वो तरीका है जिससे ढेर सारे लोगों को बाहर निकाला जाए लड़ाई से, इसलिए मेरिट हाँ फिल्टर करने का तरीका है। और जो लोग मेरिट का पैमाना बनाते हैं ना, वो लोग कौन है? जो लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं, इस देश में आज भी इंटरव्यू होता है ना, 10 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण बैठ करके SC ST OBC के पोस्ट पर नियुक्ति ले रहे हैं, तो किस बात की निष्पक्षता होगी? जितना कोटा चलता है, मैनेजमेंट कोटा चलता है, खरीद कर सीटें बेची जाती हैं, वहाँ कौन सी मेरिट है? और तीसरी बात, मेरिट अगर इस देश में थी तो ओलंपिक में गोल्ड क्यों नहीं जीत रहे? आपके रिसर्च दुनिया में कोई नई खोज क्यों नहीं दे रहे? मोबाइल से लेकर के कपड़ा तक, चलने की साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक, सब तो विदेशों का अपना रहे हो। तो ये अपने देश में ये केवल वो लोग हैं, गाय गोबर गौमूत्र वाले, गणेश पहली प्लास्टिक सर्जरी हैं, तो ये मेरिट है? हाँ, महाभारत काल में इंटरनेट था, ये मेरिट है? हमने नाली के गैस से चाय बनाई, ये मेरिट है? बादल आ जाता तो रडार काम नहीं करता, ऐसे मेरिट है? ये फेक लोग हैं। ये ब्राह्मणवादी हेजमनी को बनाए रखने के लिए एक टूल का नाम है मेरिट, और इस मेरिट के नाम पर ये धोखा इस देश के बहुजन वंचित शोषित 90% आवाम के साथ हो रहा है। धोखा है ये पूरा, बहुत ये सबसे बड़ा धोखा है, और इस देश में इस धोखे को खत्म करना चाहिए। सर, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कास्ट सेंसस के लिए एक बड़ा आंदोलन होगा देश में? आंदोलन चल रहा है, आज मंडल दिवस है। आज के दिन जिस ओबीसी को कहा जाता था ना कि सोया हुआ शेर है, उसने कुछ किया ही नहीं, एक तो ओबीसी ने जो किया है उसको खुद ओबीसी ने नहीं लिखा पढ़ा, इसलिए आरोप उसके ऊपर लगता है। ओबीसी का इतिहास तथागत बुद्ध से लेकर के बात तक चलता रहा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहमियत फूले पेरियार शाहू जी की, उसके बाद त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ की, लोहिया की और जगदेव बाबू की, रामस्वरूप वर्मा की, पूरी विरासत है। और वहाँ से आके मंडल कमीशन लागू होने की लड़ाई तक है, तो लगातार ओबीसी लड़ता रहा है। चूंकि उसकी आबादी ज़्यादा है, तो जो ताकत उसके पास थी वो पूरी ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाया, इसलिए उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि ओबीसी हिंदुत्व का कंधा ढो रहा है, कांवड़ ढो रहा है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। लेकिन ओबीसी अब जो है, धीरे धीरे ओबीसी के नौजवान, ओबीसी के युवा, शिक्षक, प्रोफेसर इस चेतना को घर घर ले जा रहे हैं। और इसलिए जब आदिवासियों ने अंबागढ़ किले में खड़ा होकर कहा ना कि हम तुम्हारे हिंदू नहीं है, भगवान ही फहराएंगे, और सरना धर्म कोड लागू किया ना झारखंड में, दलित तो कहते हैं हम अछूत थे, तो तुम्हारी वोट व्यवस्था में ही नहीं, तो पिछड़े तबके के अब लोग धीरे धीरे उस पहचान पर जा रहे हैं कि हम कृषक, कामगार, कमेरा जाति के लोग हैं। तो अब वो ओबीसी जाग रहा है और वाकई अपने हक के लिए सजग हो रहा है। आप पूरे देश में माहौल देखिए, जो जन आंदोलन मजबूत हुए उसके पीछे ओबीसी है। जन आंदोलनों की ताकत, चाहे SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में हो, रोस्टर आंदोलन में हो, या जाति जनगणना के सवाल पर हो, ये ओबीसी बड़े तबके के किसान आंदोलन, किसान जातियाँ कौन सी हैं, किसानी कौन कर रहा है, तो ये सारे सवाल तो बिल्कुल साफ हैं इस देश में। इसलिए अगर सांप्रदायिकता का कोई जवाब है तो वो सोशल जस्टिस है, अगर जो है भ्रष्टाचार का कोई जवाब है, गरीबी भुखमरी दूर करने का कोई जवाब है, तो सोशल जस्टिस है। तो इस देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत खत्म हो जाएगी जिस दिन सामाजिक न्याय लागू हो जाएगा। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव। देखा आपने, रोस्टर मुद्दे को लेकर इन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दों पर बोलते रहते हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक, सोशल मीडिया के तमाम मंचों पर हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सोशल जस्टिस को लेकर जो इनका नज़रिया है वो देश के सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और देश में मेरिट और बनाम सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है उसमें मेरिट कितना बड़ा छलावा है ये भी आपको समझ में आया होगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, ITO दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।